वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं मिनी गोवा, जो कि गंगरेल बांध को ही मिनी गोवा बोलते हैं, और चलते हैं वहाँ, एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी पर धमतरी है, और धमतरी से लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पर यह गगरेल बांध स्थित है। ग्रीन एडवेंचर रिसॉर्ट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्क है। इस गंगरेल बांध को महानदी पर बनाया गया है। लोग सिर्फ एंजॉय कीजिए, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ करते आप बोटिंग भी कर सकते हैं, बोटिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको दिखाएंगे बोटिंग कैसा है, क्या है नज़ारा। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सुंदर, बहुत ज़्यादा भीड़। यहाँ कैंटीन ये गंगरेल बांध, गंगरेल बांध को रविशंकर बांध के नाम से भी जाना जाता है, और पर्यटकों के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। इसे मिनी गोवा का नाम भी दिया गया है। टिकट भी ले लाए अपन लोग, चलते बोटिंग। हम लोग लाइफ जैकेट पहन लिए, अब बोटिंग के लिए हम लोग तैयार हो गए। ये हमारे साथ आए हुए भाई लोग हैं, और इधर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है बोटिंग के लिए। ये मेरे छोटा भाई अविनाश, और बोटिंग करते हैं और मज़ा लेते हैं। टिकट कौन रखा है? जो सूर्य जो प्रकाश पड़ रहा है ना पानी पे, वो काफी सुंदर दिख रहा है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा बोटिंग का कुछ अलग ही मजा है। आप आते हैं यहाँ बोटिंग नहीं करते फिर क्या मजा आएगा। फिर गंगरेल बांध हाइडल पावर परियोजना के द्वारा आसपास के क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन होता है। गंगरेल बांध में जल भराव क्षमता 1500 क्यूसेक है। दो पहाड़ों के बीच इस गंगरेल बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध को बनाने के लिए 55 से 60 गांव के लोगों ने अपनी जमीन दी, तब जाके बांध का निर्माण हुआ, और लगभग 17,000 एकड़ जमीन पर डूब चुकी है इस बांध। इस गंगरेल बांध को बनाने के लिए 6 से 7 साल लग गए थे, और छत्तीसगढ़ की महानदी पर इस बांध को
मनाया गया है। छत्तीसगढ़ में महानदी को गंगा के नाम से जाना जाता है और यह बांध सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध। चलिए फिर भोजन करते हैं, फिर चलते हैं उसके बाद। चल 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 चल।